जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवान शहर एंड सीमन प्रोडक्शन यूनिट साहिवाल में। अलवान शहर पाकिस्तान का बहुत बड़ा और बहुत ही जदीद तर्ज का एक सीमन प्रोडक्शन यूनिट है। इस इदारे के पास गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर शुदा कोई 150 के करीब बुज मौजूद है। ये इदारा पाकिस्तान की मकामी नस्लें जिसमें साहिवाल नस्ल और चुलिस्तानी नस्ल आती है और इसके अलावा पाकिस्तान की मशहूर भैंसों की नस्ल नीली और नीली रावी पे काम कर रहा है। इसके साथ साथ इस इदारे के पास होल्स्टीन फ्रीजन इंपोर्टेड एलीट क्लास बुल्स मौजूद हैं और ब्रेमन में यह इदारा एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अलवान शहर के पास जो एलीट क्लास साहिवाल नस्ल के बुल्स हैं वो दिखाए जाएंगे और वीडियो के अगले पार्ट्स में जो बाकी बुल्स हैं वो दिखाएंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर उमर फरूख साहब उनसे, और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि एक जो साहिवाल नस्ल का बुल है 100% उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए और उसकी क्या क्या फीचर्स होती हैं जिससे हम ये अंदाजा कर सकें कि ये प्योर साहिवाल नस्ल है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली दफा हैं तो कांड से सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोज आपको मिल सके। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर किसी दोस्त को सीमन चाहिए हो या किसी भी किस्म की मालूम चाहिए हो तो डॉक्टर साहब का नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इनसे बराह रास्त भी रब्ता कर सकते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और डॉक्टर साहब से आपको साहिवाल नस्ल के बारे में मालूमात लेके देते हैं। थोड़ा सा ब्रीड के बारे में बता दें, देन बुल के बारे में। साहिवाल ब्रीड जो है जी, ये जो हिस्ट्री बताती है उसके मुताबिक ये इसका जो सेहरा है ये जहांगीराबाद वाले जो वट्टू हैं ये उनको जाता है जी जी, और उन्होंने इसको इसकी ब्रीड जो है तैयार की थी और कहा जाता है कि चोलिस्तानी में से ये मतलब लोकल जो देसी ब्रीड थी उन्हीं में से नहीं, चोलिस्तानी इसका जो पेरेंट है वो चोलिस्तान है और वहाँ से एक खास कलर उन्होंने पिक किया था वट्टू साहब ने जहांगीराबाद वाले जो थे जी जी, और उस लाइन को लेके फिर आगे चलते रहे और अपना बड़ा नाम पैदा किया था उन्होंने। और बल्कि ये वाली गायें जो हैं इंडिया में साहिवाल नस्ल बहुत पसंद की जाती है अपने कलर के लिहाज से और अपने कलर के लिहाज से और ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। बल्कि जब वो वट्टू साहब मशहूर है कि जब जाते थे इंडिया कंपटीशन पे तो वहाँ पे सिख जो थे खास तौर पे उन्हें देखने आते थे और वट्टू साहब को बड़ा खराज तहसीन पेश करते थे, और मलिका एलिजबेथ जो है बरतानिया की उन्होंने भी वट्टू साहब की जो ब्लड लाइन थी साहिवाल की उसे बहुत सराहा था और अप्रिशिएट किया था जी जी। ये मिल्क में भी बहुत आप आ गए हैं, इसका रिकॉर्ड मेरे ख्याल में 40 लीटर है, वो जो जेबी काउ थी वट्टू साहब के फार्म की जी बिल्कुल है जी, वो ऑन द रिकॉर्ड है बिल्कुल, दो टाइम का मेरे ख्याल में 40 लीटर के जी 38 या 39 पॉइंट समथिंग का जी। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब इस बुल के बारे में भी बता दें, थोड़ा सा ट्रैक्टर्स भी बता दें कि साहिवाल जो है इसको कैसे पहचाना जाए, हर रेड बुल जो है वो साहिवाल तो नहीं हो सकता जी बिल्कुल। ऐसी ये इसमें भी जो ट्रेडिशनल जेबू के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मौजूद होने चाहिए, यानी कुहान जो है वो जितनी खूबसूरत होगी ब्रीड कैरेक्टर उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा जी जी, और इसके अलावा मजल जो है नाक का जो हिस्सा है वो ब्लैक होना चाहिए हर सूरत में जी जी, और आंखों के गिर्द जो है अगर ब्लैक कलर है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी चलता है जी जी। इसके अलावा झालर और नाफ का खुला होना जो है वो ब्रीड कैरेक्टर में इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा टेस्टिकल्स जो है वो भी जो है प्रेफरेबली आधा काला और आधा कलर्ड होना चाहिए, लेकिन अगर वो भी फुल आधा ब्लैक नहीं है पूरा कलर्ड है तो तब भी चलता है। और साहिवाल के अंदर 2-3 कलर शेड्स आते हैं जी जी। एक आता है इस कलर में जिसमें नेक और बैक साइड जो है थोड़ी ब्लैक में आती है जी जी। एक होता है जो पूरा एक ही रेड कलर में होता है, और तीसरा जो है आपका फुल ब्लैक कलर जो है वो भी आता है, जैसे कि ये बोल है ये डार्क कलर में आ रहा है थोड़ा सा जी जी। आगे लेके इसकी लेग्स जो है वो तकरीबन ब्लैक के करीब है, और जबकि ये वाला जो बुल है ये रेड है। तो इसमें 2-3 डिफरेंट कलर शेड्स हैं जी जी, तो उसमें ये इसकी ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है जी जी। ये दोनों इसको डुअल पर्पस हम लोग कहते हैं, यानी ये दूध में भी इस्तेमाल होती है और गोश्त में भी जी जी। डॉक्टर साहब इस बुल के बारे में बताएं प्लीज। ये है जी 777 जी जी के नाम से मशहूर है मार्केट में जी जी। साहिवाल SW777 के नाम से मार्केट में जाना जाता है जी जी, और इसका जो सायर है 307 कादराबाद का एक मशहूर बुल है जी जी। इसकी जो प्रोडक्शन है अगर उसकी बात करें तो वो
4418 लीटर है 300 दिन का, 300 दिनों जी, 300 दिन का। लेकिन ये कि ये इसके पहले सुए का था, ये पहले सुए का और उसके बाद जो है इसने मिल्क इम्प्रूव किया था इसकी मदर ने जी जी। और ये हमें जो है मलिक अमीन साहब जो जिनका ताल्लुक हाफजाबाद से जी जी, उनसे ये खरीदा गया। और इसकी जो पीक प्रोडक्शन है, हमारे पास जितने भी साहिवाल बुल्स हैं उनकी पीक प्रोडक्शन जो है वो 20 लीटर से ऊपर है। ऊपर है, ज़बरदस्त है। असल में लोग जो है वो साहिवाल को वो फीड, वो माहौल, वो बैटिंग, वो चीज़ भी नहीं देते जी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मिल कंपटीशन में और मुख्तलिफ जो मिला जाते हैं या मुख्तलिफ जो फार्म है वहाँ पे लोगों ने बड़ी अच्छी भी ली है, वहाँ से पीक पता लगती है। और पीक जो है वही शो कर रहा होता है कि जानवर के अंदर दूध का कितना पोटेंशियल। हाँ, अगर उसकी फीडिंग अच्छी हो, उसका प्रॉपर ख्याल रखा जाए तो फिर पीक का तो फिर पता चलता है पोटेंशियल का। बिल्कुल है। तो और अगर पीक का पता लग जाए तो आप उसको उस हिसाब से ब्रीड कर सकते हैं। तो ये जो बेचारा साहिवाल होती है इसके साथ यही होता है, सुतिलों वाला सलूक ही होता है, जहाँ पे भी देखा है जी, खाली टांडे डाल दिए, जानवरों को छोड़ दिया, डुअल पर्पस होने की वजह से ना जी जी, इस पे कोई खास जो है ना वो वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि वो इससे गोश्त का पैदावार भी ले रहे हैं, दूध की पैदावार भी ले रहे हैं। नहीं, अभी तो देखा जाए वर्ल्ड भी जो है ना वो भी इसी तरफ हो रही है, डुअल पर्पज की तरफ। जैसे वो फ्लैकवे उन्होंने निकाली है, माउंट ब्रियार्ड है, जिसमें जानवर जो है वो थोड़ा गोश्त भी गेन ज़्यादा करते हैं, दूध भी देते हैं। क्योंकि जी मेरे मुताबिक, मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया है दुनिया में, मेरे मुताबिक अगर डुअल पर्पज़ एनिमल का फ़ायदा ज़रूर है जी जी, लेकिन डुअल पर्पज़ एनिमल का फ़ायदा तब है जब आपके पास ग्रेजिंग कंडीशन हो जी जी, ग्रेजिंग एनवायरनमेंट, यानी आपको जो है वो जानवर को बांधना नहीं है, आपने उसको एक ग्रेजिंग का एरिया दिया है, वहां पे वो ग्रेजिंग कर रहा है और उसके बाद जो भी आप उससे प्रोडक्शन लेनी है आप उससे ले लें, चाहे वो दूध है चाहे वो गोश्त है। लेकिन अगर आप जो है बांध के लेना चाह रहे हैं तो मेरे मुताबिक जो है वो स्पेशलाइज्ड ब्रीड का काम ज्यादा है जी जी जी। अच्छा अच्छा, ये मेरे ख्याल में फिर डेवलप भी उसी वक्त हुई थी जब ये ग्रेजिंग खुली जमीनें थी और कोई जी जी। डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएं जरा। ये है जी SW285285 जी जी, ये इस नाम से मशहूर है जी, और 2015 इसकी ईयर ऑफ बर्थ है, और 4230 लीटर इसका जो हमारे हमें पहले सुए का जो रिकॉर्ड मिला था जी जी, 305 दिन का जी जी। और ये मेरे ख्याल में ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया था कि एक डिफरेंट कलर पैटर्न्स होते हैं, हर इंसान की कलर की एक डिफरेंट चॉइस होती है, डिफरेंट जो है उसका मेयार होता है देखने का, आंख का। तो ये एक कलर ऐसा है जो डार्क में शामिल होता है, यानी इसमें तकरीबन ये ब्लैक कलर की तरफ चला जाता है। इसकी जो गर्दन का हिस्सा है, इसकी टांगे और इसकी बैक साइड जो है थाई जिसको बोलते हैं जी जी, तो ये जो है ये कलर भी जो है इसके अंदर पसंद किया जाता है जी जी जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू।